ये क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएट करना है इसको y को विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपके पास करने के दो तरीके हैं, या तो आप चेन रूल लगा लीजिए, मतलब पहले साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर देन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, और दूसरा तरीका है कि जो भी सिस्टम आपको दिया गया है उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग दूसरा तरीका पहले अपना लेते हैं, पहला बाद में देखेंगे। तो सपोज अब देखिए, ये जो आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट होती है, उसे आप सोच सकते हैं, या आप ये सोचिए कि किस आइडेंटिटी से ये रिलेट हो रहा है। तो अगर हम लोग ये देखें, x को क्या प्लेस कर दें, tan थीटा, ठीक है, ये एज्यूम कर लें, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सिंप्लीफाई होके पहले तो हम रखें, ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन जो भी होता है, साइन x वो x होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। लेकिन यहां पे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेने पड़ते हैं कि जो 2 थीटा है क्या वो रेंज साइन इनवर्स x के अंदर लाई करता है। खैर यहां पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे ये ध्यान देना होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा लिख सकते भी हैं या नहीं लिख सकते हैं। खैर बोर्ड के क्वेश्चन में तो ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई आपका हो गया 2 थीटा। लेकिन थीटा देखिए यहां से आप क्या निकाल सकते हो, थीटा आप निकाल सकते हो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। तो यहां पे थीटा प्लेस कर दीजिए, 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है, डिफ्रेंशिएशन तो अभी तक आया ही नहीं है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने जब भी इनवर्स के जनरली क्वेश्चंस होते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूट करके सिस्टम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इक्वलेंट एक्सप्रेशन आती है उसको हम लोग डील करते हैं या उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो से इक्वेशन नंबर 3, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका, d by dx of y that is equals to d by dx of 2 times tan inverse x। अच्छा 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका dy by dx that is equals to 2 बाहर आ गया, d by dx of tan inverse x, और ये आपका एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है टेन इनवर्स एक्स का, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो दैट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर हो गया।